प्यारे बच्चों, कल मैं आपको वर्ण विचारह के अंतर्गत स्वर और व्यंजन की संख्याओं को बतलाया था। आज मैं आपको कुछ हल चिन्ह के संबंध में बतलाऊंगा। हल चिन्ह यदि हम क का उच्चारण करेंगे तो आधा क यानी क पर हलंत के साथ अ की ध्वनि भी मुख से निकलेगी, अर्थात हलंत क या अन्य व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हलंत क प्लस अ बराबर होता है पूरा क, हलंत ख प्लस अ बराबर होता है ख, हलंत क प्लस आ बराबर होता है का, और हलंत ख प्लस आ बराबर होता है खा। किसी भी व्यंजन में अ आ अर्थात स्वर जुड़ने से उसके नीचे लगे हल चिन्ह का लोप हो जाता है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में दो और ध्वनियाँ भी हैं जिन्हें आयोग वाह कहते हैं, अनुस्वार नासिका से निकलने वाली ध्वनि है, विसर्ग का उच्चारण हलंत ह की भांति ही होता है। अनुस्वार होता है जिसके ऊपर हम शून्य लगाते हैं यानी बिंदी, जैसे संस्कारम कामा संस्कृतम कामा संज्ञा इत्यादि। अब विसर्ग होता है जिसके अंतिम अक्षर के पीछे हम दो बिंदी देते हैं, जैसे बालक, छात्र, पीक इत्यादि।